हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। तो आज के इस वीडियो से हम लोग जावा शुरू करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में हमने एक्लिप्स को इंस्टॉल किया था और सेटअप किया था इसे, तो आप वो वीडियो देख ले अगर आपने नहीं देखा है तो। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है। तो चलिए जावा के बेसिक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपके पैकेज एक्सप्लोरर दिखते हैं। तो एक्लिप्स ओपन है हमारा। एक चीज़ मैंने राइट साइड से जितनी चीज़ें थी उसे कट कर रखी है, इसे कन्फ्यूज़ ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पैकेज एक्सप्लोरर ऑन है, अगर नहीं है आपका ऑन तो यहाँ पर विंडो में जाएंगे, शो व्यू में जाएंगे और यहाँ से पैकेज एक्सप्लोरर को सेलेक्ट कर देंगे। और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, टास्क लिस्ट, जो भी चीज़ें हमने बंद की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टास्क लिस्ट रहता है, तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो यहाँ से हमने बंद कर दिया। और विंडो में जाकर के आप वापस ला भी सकते हैं जो भी चीज़ें लानी, तो यहाँ तक सही है। अब चलिए सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ध्यान रहे आप कंफ्यूज ना हो, एक्लिप्स फर्स्ट टाइम जब आप लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर वेलकम स्क्रीन आएगा जिसे आपको कट करना है, स्किप करना है, और उसके बाद फिर या फिर आप वहाँ पर स्टार्ट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे, प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया फोनलेस। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, लेटेस्ट वर्जन भी सेलेक्टेड है, फिनिश करेंगे। यहाँ पर हमारा पैकेज एक्सप्लोरर में एक प्रोजेक्ट आ चुका है फोनलेस, तो इसमें हम SRC पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और एक क्लास ऐड करेंगे। अब इस क्लास का नाम हम देंगे, ये पहला है क्लास, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन हम लोग बेसिक लर्न कर रहे हैं इसलिए हमने ये दिया। अब हम चाहें तो यहीं पर से एक मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि एक मेन मेथड होगी इस क्लास की। बेसिकली हम लोगों का अभी फ़िलहाल के लिए मेन मेथड यही होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट कर देगा, फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं ऑटो जनरेटेड मेथड है ये, इस टू डू वाले लाइन को हटा देंगे हम लोग। अब ये जो मेथड है मेन मेथड, वो है पब्लिक स्टैटिक बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। फिलहाल अगर देखें तो जैसे ही हमने क्लास ऐड किया तो यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड डॉट जावा का फाइल आ गया और साथ ही साथ क्लास का नाम भी हेलो वर्ल्ड है। तो ये सेम चीज़ होनी चाहिए जावा में, जो क्लास का नाम है वही उस फाइल का भी नाम होगा, तभी ये वर्क करेगा। और एक और चीज़, जो मेन क्लास है वो हमेशा पब्लिक होती है, क्योंकि अगर आप इसे प्राइवेट करेंगे या फिर प्रोटेक्टेड करेंगे तब ये वर्क नहीं करेगा। मेन क्लास ऑलवेज पब्लिक ही होती है। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सारी चीज़ें क्या है वो एक इंडिविजुअल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी कुछ प्रिंट करके देखते हैं कि कैसे हम हेलो वर्ल्ड वगैरह प्रिंट करवाते हैं। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, तो इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे सिस्टम डॉट। अब यहाँ पर डॉट जैसे ही हमने टाइप किया, आप देख रहे हैं कई सारे मेथड्स दिख रहे हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारे पॉसिबल चीज़ें दिखाता है और इसे ही इंटेलिजेंट कोडिंग कहते हैं, ऑटो कम्प्लीट कोडिंग, जो कि मोस्टली IDE प्रोवाइड करता है, सभी IDE प्रोवाइड करता है, चाहे वो एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर एक्लिप्स हो या फिर इंटेलिज, जो भी हो। तो यहाँ पर हमें सिस्टम डॉट आउट लिखना है, उसके बाद फिर से डॉट लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमें लिखना है। अब प्रिंट लिखने पर यहाँ पर कई सारे टाइप्स आ रहे हैं, लाइक बुलियन, डबल, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पर से स्ट्रिंग वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर ऊपर वाले को भी एक्सेप्ट करेंगे तो सिंपली हमें इसे रिमूव करना होता है और फिर डबल कोटेशन देना होता है, ये चीज़ है। और स्ट्रिंग्स बेसिकली हम लोग डबल कोटेशन से लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यू आर वॉचिंग फोनलेस, तो हमने लिखा यू आर वॉचिंग फोनलेस। अब कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पर जो ग्रीन प्ले बटन है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रन होकर के देख रहे हैं कंसोल पर आ चुका है यू आर वॉचिंग फोनलेस। इस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं कुछ भी चीज़ें जावा में, और ये बेसिक हम लोग सीख रहे हैं, आगे कई सारे तरीके होंगे उन्हें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो चीज़ें वो आप इस पर फोकस करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे यू आर वॉचिंग जावा ट्यूटोरियल। अब हम अगर रन करें, रन करने का एक शॉर्टकट है कंट्रोल F11, तो उससे भी रन होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यू आर वॉचिंग जावा ट्यूटोरियल। अब चलिए इसे कॉपी करते हैं हम लोग, पेस्ट कर देते हैं 3 बार। अब ये जो है यू आर वॉचिंग जावा ट्यूटोरियल,
यू आर वॉचिंग फोनलेस, यू आर सो लवली। चलिए ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने टाइप की, अब हम लोग इसे रन करते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, रन करने के लिए यहाँ पर भी आ सकते हैं या फिर आप कंट्रोल F11 प्रेस कर सकते हैं। मैं कंट्रोल F11 प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग जावा ट्यूटोरियल, यू आर वॉचिंग फोनलेस, यू आर सो लवली, ये तीनों के तीनों लाइन एक साथ आ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो जावा में दो प्रिंटिंग के दो मेथड्स हैं। एक तो है प्रिंट, जो कि डायरेक्टली आपको एक ही लाइन में प्रिंट करता जाएगा जब तक कि वो लाइन भर नहीं जाता। तो हमें इंडिविजुअल लाइंस में चाहिए, इसलिए हम लोग एक लाइन ब्रेक लगाएंगे या फिर मेथड चेंज करेंगे। तो मेथड चेंज करने के लिए प्रिंट के बाद ln अगर हम लिखें तो ये एक लाइन में प्रिंट होगा, प्रिंट लाइन है ये बेसिकली। और इसी तरह से हम लोग तीनों में लगाएंगे प्रिंट ln। अब अगर हम रन करें तो आप देख रहे हैं यू आर वॉचिंग जावा ट्यूटोरियल। इसे हम लोग एक काम करते हैं, ऊंचा कर लेते हैं, यू आर वॉचिंग जावा ट्यूटोरियल, यू आर वॉचिंग फोनलेस, तीनों लाइन्स अलग अलग आ चुके हैं। तो प्रिंट ln का यूज़ करते हैं हम इसलिए ताकि जो भी तीनों लाइन्स हैं या फिर जितने भी लाइन्स हैं सब अलग अलग लाइन में आएँ। और एक तरीका है, अगर हम चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हम डिलीट करते हैं और ये प्रिंट ln में से ln भी डिलीट करते हैं। अब फिलहाल प्रिंट है। अब इस केस में भी हम एक तरीका है जिससे हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो जावा में एक ऑपरेटर है बैकवर्ड स्लैश और n अगर हम प्रेस कर दें और n अगर हम टाइप करें तो ये लाइन ब्रेक हो चुका है आपका। अब अगर हम जो भी चीज़ें टाइप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हाई देयर हमने टाइप किया, अब इसे रन करेंगे तो आप देख रहे हैं लाइन ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर एक स्पेस हमने दिया इसीलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में भी एक स्पेस आ चुका है। इसे बैक करके अगेन रन करेंगे, अब देख रहे हैं यू आर वॉचिंग जावा ट्यूटोरियल हाई देयर, ये चीज़ें। यानी कि आप ये जो है बैकवर्ड स्लैश और n इसे टाइप करके लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लंबे मैसेजेस प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैकवर्ड स्लैश और n, क्योंकि हम लोग बार बार प्रिंट ln यूज़ नहीं करना चाहेंगे। आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे हम लोग जब एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी सिंपल लगेंगी आपको। तो लाइन्स किस तरह से प्रिंट करते हैं ये तो आपने सीखा, अब चलिए एडिशन कैसे करते हैं हम लोग, जोड़ घटाव किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली इसे जानने के लिए हमें डेटा टाइप्स जानना होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो में एक डेटा टाइप जानेंगे, वो है इंटीजर। तो इंटीजर को हम लोग int से डिनोट करते हैं और int के बाद हम लोग वेरिएबल का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल int नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 1, और इसमें हम लोग असाइन करेंगे 5, और दूसरा इंटीजर होगा int नंबर 2, इसे हम लोग देंगे 10। तो इस तरह से हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर है और जिसकी वैल्यू 5 और 10 है। इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को जावा में डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स कई सारे हैं, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम लोग जानेंगे। और एक चीज़ के अभी फ़िलहाल सिर्फ इंटीजर आप जाने कि हमने दो नंबर्स लिया है और कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते हैं इसे नंबर्स को। क्यों डिक्लेयर करते हैं ये अभी आपको पता चलेगा। एक काम करते हैं, num1 और num2 की जगह हम लोग सिंपली a और b लेते हैं। a और b, a में 5 है और b में 10 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ऐड करना है इसे। तो हम लोग ऐड करने के लिए सिंपली a प्लस b लिखेंगे, तब कुछ नहीं होगा, हमें प्रिंट करना है इसे। तो अगेन हम लोग system.out.print यूज़ करेंगे। प्रिंट हम लोग क्या करेंगे, और प्रिंट में हम लोग करेंगे a प्लस बी। अब हमारा जो है a प्लस बी प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं, आप देख रहे हैं 15 आ चुका है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसे डिक्लेयर नहीं करना चाहते तब आपको यहाँ पर लिखना होता प्रिंट 5 प्लस 10, 15, तभी वही चीज़ आ रहा है। तो हमने डिक्लेयर इसे क्यों किया, तो इसे डिक्लेयर करने का फ़ायदा है जो कि आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो इसे डिक्लेयर करने का यही फ़ायदा कि ये अगर हम डायरेक्टली मेथड में कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तब वो कांस्टेंट हो जाता है, मींस वो फिर चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर वेरिएबल में असाइन कर देते हैं
डिक्लेयर किया हमने वेरिएबल, और यहाँ पर तो हमने असाइन कर दिया है, लेकिन आगे चलकर होगा ये कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके बाद उसे ऐड करवाएंगे। तो इस केस में हमें डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल्स को, इसीलिए हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। और वहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिकली 5 और 10 नहीं देंगे, बल्कि इसे सिंपली इंट ए सेमी कॉलन और उसके बाद इंट बी सेमी कॉलन, इस तरह से हम लोग बंद कर देंगे। और फिर यूज़र से इनपुट लेंगे और उसे कैलकुलेट करेगा हमारा मेथड। तो ये चीज़, तो इसी चीज़ के लिए हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। तो इस तरह से एडिशन आपने सीख लिया। अब चलिए सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे। तो इंट ए को हमने, यानी नंबर वन को हमने 50 कर दिया और बी को 10 ही छोड़ेंगे हम लोग। अब अगर ए माइनस बी हम करेंगे, रन करेंगे, तो 40 दे रहा है। तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एंड अगर आपको गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो स्टार देंगे और अगेन रन करेंगे तो आप देख रहे हैं 500। तो ये सारी चीज़ें, डिवाइड करना है, फॉरवर्ड स्लैश देंगे, कंट्रोल F11 रन करेंगे, 5 दे रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं सारी चीज़ें, मैथमेटिकल ऑपरेंड से ये। तो ये चीज़ तो आपने जाना जावा में किस तरह से होता है। अब अगर हमें एक डेकोरेटेड वे में अगर हमें दिखाना है, फॉर एग्जांपल अगर हम दो नंबर इनपुट करते हैं इसमें 10 और 5, तो हमें प्रिंट करवाना है डेकोरेटेड वे में कि एडिशन ऑफ 10 एंड 5 इज 15, तब कैसे करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने 5 और 10 लिया है। अब हम लोग एक काम करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब प्रिंट के बाद आप इंटर करेंगे, ये सबसे टॉप पर बूलियन था इसीलिए देता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बैक स्पेस से मिटा लेंगे हम लोग, कहीं पर क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने लिखा, और अब हमें ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सारी चीज़ें लिखनी है जो कि हमें प्रिंट करवाना है। तो एक चीज़ हम लोग सीखेंगे, अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना होता है तो वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर होता है, लेकिन अगर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी होती है, चाहे इंटीजर हो या फिर बूलियन हो, तब हमें वो डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर हमने असाइन किया ए बराबर 5 बी बराबर 10 डायरेक्टली है, लेकिन अगर हमें कोई नाम लिखना होगा तब हम लोग स्ट्रिंग, ऐसे नहीं होता, कैपिटल से लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू। अब अगर हम लोग डायरेक्ट देंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमने रोहित दिया, यहाँ पर दिख रहा है गलती, ये आपको आपका जो आईडी है, आपका ये जो सॉफ्टवेयर, वो आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये गलती है। अब इसे कैसे फिक्स करेंगे, जब भी स्ट्रिंग देना है तो सबसे पहले डबल कोटेशन देना है और उसके अंदर आपको नाम लिखना है, ये आप देख रहे हैं आपने नाम लिख दिया, अब ये एक्सेप्टेड है। अब अगर हम लोग यहाँ पर से नेम प्रिंट करवाएंगे, नेम प्रिंट करवाया तो यहाँ रोहित दे रहा है, लेकिन हम लोग अगर इससे ब्रैकेट नहीं देते तो वो गलत हो जाता। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर एरर दे रहा है, ये देख रहे हैं एरर है। एरर क्या है, रोहित कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। अब स्ट्रिंग है तो हमें इसे ऑलवेज डबल कोटेशन के अंदर देना है, अब ये परफेक्ट है। तो स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में देना है। और एक चीज़ जान लें, अभी हम लोग इस एडिशन वाले पर काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ और सीख रहे हैं। हमें अगर इसके साथ इनके वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवाना है तब कैसे होगा। तो इसे कॉन्कैटनेट करने के लिए, मीन्स जोड़ने के लिए, जोड़ना मतलब एडिशन नहीं, इस टेक्स्ट के साथ, ये जो रोहित लिखा हो इसके साथ इस नंबर को भी आगे लिखने के लिए हम जावा में प्लस का यूज़ करते हैं। तो ये जो है दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, कुछ लैंग्वेजेस में आपको कॉमा से कनेक्ट होगा या फिर डॉट से कनेक्ट होगा, लेकिन जावा में प्लस से हम कनेक्ट करते हैं। तो रोहित हमने लिखा, स्ट्रिंग है ये, इसलिए हमने इसे डबल कोटेशन में रखा, लेकिन हम अगर ए को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हमें प्लस लिखना होगा, उसके आगे ए लिखना होगा। अब रोहित 5 प्रिंट होके आएगा, आप देख सकते हैं रोहित 5। हमें रोहित के बाद स्पेस चाहिए तो यहाँ पर हम स्पेस दे देंगे एक, अब प्रिंट करवाएंगे रोहित 5। अब इसी तरह से एक काम करते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं, रोहित इज इन 5 है, उसे हमें 5th लिखना है, यानी 5 के बाद TH जोड़ना है। तब हम लोग अगेन क्या करेंगे, ए के बाद भी प्लस देंगे। अब हम स्ट्रिंग जोड़ने के लिए रेडी हैं, डबल कोटेशन दिया हमने TH। अब ये जो कंप्लीट चीज़ है, प्लस ए प्लस,
ये आपको 5 देगा, रिटर्न करेगा, और उसके बाद फिर ये जो TH है उसमें जुड़ जाएगा 5th। अब उसके बाद स्पेस देंगे हम लोग क्लास। अब हम लोग कंट्रोल F11। अब देख रहे हैं आप, रोहित इज इन 5th क्लास। ये कंप्लीटली कनेक्टेड है सारी चीज़ें। प्लस से हम लोग जोड़ते हैं दो वर्ड्स या फिर दो वेरिएबल्स को या फिर दो स्ट्रिंग के साथ, कुछ भी जोड़ना है आपको तो हम प्लस के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना है कोई चीज़ तब कैसे होगा, तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम सम निकालना है, ओके, तो हम लोग स्ट्रिंग सम कर देंगे। यहाँ पर प्रिंट हम लोग सम करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं सम करें, मैंने जस्ट जोड़ रहे हैं हम लोग इसीलिए हमने यहाँ पर सम किया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डेकोरेटेड मैसेज प्रिंट करवाना है कि 5 और 10 का जोड़ जो है वो 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डबल कोटेशन से स्ट्रिंग एक बनाएंगे, लिखेंगे द सम ऑफ, अब इतना हमने लिखा। अब जैसा कि अभी अभी हमने सीखा, एक काम करेंगे यहाँ पर स्पेस देंगे द सम ऑफ, अब प्लस से हम लोग जोड़ेंगे ए, इसका मतलब क्या हुआ द सम ऑफ 5। अब अगेन हम लोग प्लस देंगे, अब हम लोग क्या देंगे, अगेन एंड हमें लिखना है, तो एंड एक स्ट्रिंग है इसीलिए हम लोग डबल कोटेशन देंगे, एक स्पेस दे देंगे क्योंकि 5 में सटा हुआ ना रहे वो, अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो ये 5 में सटा आ जाएगा, इसलिए द सम ऑफ 5, उसके बाद एंड, अगेन एक स्पेस, अगेन कोटेशन के बाद प्लस, प्लस से हम लोग जोड़ेंगे अगले वेरिएबल को, अगले वेरिएबल को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर द सम ऑफ 5 एंड 10, 10 के लिए B है क्योंकि B में हमने 10 को असाइन किया है। अगेन हमें प्रिंट करवाना है द सम ऑफ 5 एंड 10 इज 15, तो यहाँ पर हमें इज़ लिखना है, तो अगेन प्लस देंगे, और इज़ चूँकि एक स्ट्रिंग है तो अगेन हम डबल कोटेशन देंगे, यहाँ पर इज़ लिखेंगे और एक और स्पेस देंगे ताकि कोई भी वर्ड आपस में सटा हुआ ना रहे, अच्छा से डेकोरेटेड दिखे, इसलिए। तो अब तक हमने क्या लिखा है, द सम ऑफ 5 एंड 10 इज़, अब हमें अगेन डबल कोटेशन के बाद आके प्लस लिखना है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होगी लोगों को, अक्सर बिगिनर्स में कन्फ्यूज़न होती है कि अब अगर हम a प्लस b अगर लिख दें तब क्या प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा कि द सम ऑफ 5 एंड 10 इज़, अभी देख लेते हैं प्रिंट करवा के क्या आएगा, देख लें द सम ऑफ 5 एंड 10 इज़ 510, जो कि गलत है। तो ये क्या हुआ, 5 के आगे ये कनकैटनेट हो गया, मीन्स कनेक्टेड हो गया 5 के आगे, 510, तो यही चीज़ है। अगर आप इस तरह से प्रिंट करवा देंगे तो वो तो बस प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करवानी है, इसलिए प्लस जब हम देंगे तो ये दोनों के बीच हमें कैलकुलेशन करवानी है, इसलिए हम लोग प्लस के बाद एक स्मॉल ब्रैकेट देंगे और इसके लास्ट में भी एक स्मॉल ब्रैकेट देंगे। अब हमें ये जो प्लस के बाद वैल्यू प्रिंट होगा वो ए प्लस बी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी जब हम इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देंगे। जब हम इसे ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं तब यहाँ पर हमें हमारा कैलकुलेशन वाला मेथड चल जाएगा। अब अगर हम प्रिंट करवाएं तो आप देख रहे हैं दिस सम ऑफ 5 एंड 10 इज 15, मीन्स आपने समझा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें इसे प्रिंट करवाना है तब सिंपली हमें ओपनली लिखते जाना है प्लस प्लस के अंदर। लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन करवा देनी है तब प्लस देने के बाद जो भी कैलकुलेशन है, मीन्स ए प्लस बी करवाना था तो उसे हमें ब्रैकेट में देना है। तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में देने के बाद सम को देख सकते हैं, नीचे हमारा प्रिंटेड है। तो जावा में ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये काफ़ी ईजी है लेकिन ध्यान देने पर ईजी है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो वीडियोज़ को रिपीट करके भी आप देखें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। अब चलिए यहाँ पर एक वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ए को हमने 50 बना दिया, बी को वही रहने देते हैं। अब प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एफ 11 से प्रिंट करेंगे या फिर आप यहाँ पर रन में आके प्रिंट करवा सकते हैं। अब देख रहे हैं दिस सम ऑफ 50 एंड 10 इज 60, सिंपली यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहेंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह पर स्टार दे देंगे और ये जो सम है इसे हम लोग लिख देंगे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अब प्रिंट करवाएंगे। अब देख सकते हैं द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 50 एंड 10 इज 500। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन करवाया, जावा में प्रिंट करना सीखा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना सीखा,
और वेरिएबल्स को क्यों डिक्लेयर करते हैं ये भी हमने सीखा। तो जावा के जो बेसिक्स चीज़ें थी उनमें से कुछ चीज़ें हमने जाना इस वीडियो में। आगे चल के हम लोग पैटर्न्स किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, लूपिंग्स और इफ एल्स स्टेटमेंट, इवन स्विच स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिलहाल एक्लिप्स में हम लोग इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हम कंसोल पर प्रिंट करवा के देख सकते हैं आउटपुट। फिर एट लास्ट हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में मूव करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो में जब हम मूव करेंगे तब हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, बेसिक सा प्रोजेक्ट पहले बिल्ड करेंगे। और उसके बाद फिर जब वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तब हम लोग स्प्लैश स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट करना सीखेंगे, और फाइनली एक रियल प्रोजेक्ट लेंगे करेंट ऐप मार्केट में जो चल रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग उससे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, और एंड तक अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो होपफुली आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। जितना भी मुझसे होता है मैं हमेशा शेयर करता हूँ, और अगर आपके लिए यूज़फुल रहती है तो मुझे खुशी मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये जावा का था फर्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जितना हो सके इसे शेयर करें। अगर आपने प्लेलिस्ट को अभी भी नहीं एक्सेस किया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेस कर लें, देखें सारी चीज़ें, सारी वीडियोस, कहाँ से हमने शुरू किया और कहाँ अभी तक हम आए हैं। और बस यही है, आगे के वीडियोज़ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एक्सप्लोर करना जावा को, जावा के फंक्शंस मेथड्स को। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं अगले वीडियो में।